आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली मुबारक हो भाई, अच्छे से दिवाली मनाओ। बढ़िया। तो पेंटागन की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। पेंटागन रिपोर्ट ने ये बताया है कि किस तरीके से चीन ने ऑप्टिकल नेटवर्क मतलब यहाँ पे पूरा ऑप्टिक नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है वो बिछा दिया था। इट इज़ वेरी डेंजरस। मैंने नया चैनल खोला है भाई, और हमारी सबसे बड़ी साल की सेल शुरू हो गई है, बिग दिवाली सेल। तो आप जाइए, रोशनी कोड को आपको यूज़ करना है। इतने महंगे महंगे कोड्स यार बहुत ही कम में बिक रहे हैं। खैर, ये सब आपके लिए, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो यहाँ पे पेंटागन ने एक रिपोर्ट निकाली और बोला है कि चाइना ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इंस्टॉल कर लिया था वेस्टर्न हिमालयाज के एरियाज में, दुर्गम एरियाज में ये ऑप्टिक नेटवर्क मतलब इंस्टॉल करके बैठे, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ऐसा अब इससे हुआ क्या? इससे इनको रियल टाइम अपडेट्स मिली, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसा, जो हो रहा था, जो भी चल रहा था, इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिली। पेंटागन आपको बता दो कि यूएस कांग्रेस को रेगुलरली रिपोर्ट करता है, इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, और जो भी जितनी भी चीजें, जितने भी स्टैंड ऑफ, जो भी अनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है वो लगातार पेंटागन को रिपोर्ट करता रहता है। जैक रायन एक सीरीज है, उसमें पेंटागन, अगर आपको देखना है तो आप पेंटागन को उसमें रोल समझिएगा, वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे भाई रिपोर्ट ये बोल रही है कि जब पीआरसी और इंडिया के बीच में 2020 में बहुत ही ज्यादा टेंशन थी, तो पीपल लिबरेशन आर्मी ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछा दिए थे ताकि उनको जानकारी मिल सके, इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। आप समझ रहे हो? पेंटागन ने यह भी रिपोर्ट किया है कि भाई देखो, कोरोना वायरस पैंडेमिक था, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने, चाइना में बैंड बजी हुई थी, लोग मर रहे थे, फर्क नहीं पड़ा। चाइना ने जो उनके जवान हैं उनको तगड़ी ट्रेनिंग दी लड़ने के लिए, और इस समय जितनी चाइना तेजी से बढ़ रहा है, उनकी मिलिट्री जितना तेजी से बढ़ रही है उतना कभी भी नहीं बढ़ी। एक और चीज बताता हूं आपको, पेंटागन रिपोर्ट में एक और चीज बोली गई है, चाइना अपनी न्यूक्लियर फोर्स को इस समय सबसे तेजी से एक्सपांड कर रहा है, बहुत तेजी से ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ये चीज है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने भी इतनी तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। आप समझिए कि नंबर ऑफ चाइनीज वॉरहेड्स जो हैं वो 700 पार कर जाएंगे ये ईयर एंड होते होते, और अगले 6 सालों में, नहीं, सॉरी, ईयर एंड होते होते नहीं, अगले 6 सालों में 700 हो जाएंगे, और 2030 तक 1000 पार कर जाएंगे। देखिए, ये हमको पता नहीं रहता है कि किस देश के पास कितने वेपन्स हैं। याद रखिए कि जो भी वेपन बताती है, जैसे भारत 140 बताता है तकरीबन, नहीं दो, हाँ 140 के करीब, पाकिस्तान के थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये ज्यादा ही होते हैं, देश एक्चुअल आंकड़ा कभी बताते ही नहीं है। तो चीन जो है, चीन का जो न्यूक्लियर आर्सेनल बिल्डअप है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अभी समझिए कि कुछ ही साल पहले चाइना के पास 200 से कम थे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, लेकिन अब वो बना रहा है। एक्चुअल कितना चाइना के पास ये किसी को नहीं पता। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा इस समय 3,750, और आपको पता ही है कि अमेरिका भी इंक्रीज नहीं करेगा। इनफैक्ट जब कोल्ड वॉर था तो 1 लाख से ऊपर न्यूक्लियर वेपन चले गए थे, सोवियत अमेरिका दोनों द्वारा, दोनों ने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन बनाए। सिपरी जो है वो रिपोर्ट न्यूक्लियर वेपन्स और कितने किसके पास वेपन्स है वो निकालती है, इसकी रिपोर्ट। तो यही चीज है, देखिए रिपोर्ट ये नहीं बोलती है कि भाई चाइना अमेरिका से जाके भिड़ जाएगा, या चाइना जो है वो क्यों बना रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका हर डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर में चाइना से बहुत ज्यादा आगे है, चाहे वो एयर हो, चाहे लैंड हो, सी हो, स्पेस हो, साइबर स्पेस हो। अभी चाहे चीन को बहुत टाइम लगेगा, 30 30 40 साल लग जाएंगे अभी अमेरिका को पीछे छोड़ने में, लेकिन यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि जो पीएलए की इवॉल्विंग कैपेबिलिटीज है और कंसेप्ट है वो लगातार चाइना को ताकतवर बनाते जा रहे हैं। चाहे जितना भी ताकतवर दुश्मन हो, चाइना उनसे वॉर जीत सकता है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये कांग्रेस को एक बहुत बड़ा रिमाइंडर दिया है,
कि भाई अब तो कुछ करोगे कि नहीं। अब बाइडन देखिए, जब इधर डोनाल्ड ट्रंप आए तब तो उन्होंने ट्रेड वॉर ही छेड़ दिया, बाइडन क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी अब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑकस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही है कि यहां पे दोनों मिलके चाइना को काउंटर करेंगे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स लेगा अमेरिका से, चाइना ने इसका विरोध भी किया था। चाइना और सोचिए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई थी कि चाइना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पहले एक स्टेट ने बोला कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट नहीं लेंगे, कुछ महीने पहले की खबर है। फिर अभी चाइना ने क्या किया कि चाइना में कोल क्राइसिस थी, आप समझिए कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से नहीं खरीदा कोल, बल्कि वो खरीद सकता था। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से ना खरीद के अपने डीजल को इस्तेमाल किया एनर्जी के लिए, ऐसी बुरी हालत है। मतलब इतनी ज्यादा दुश्मन, इतना ज्यादा खार खाए बैठा है चाइना। तो वही है कि चाइनीज ने ऑलरेडी न्यूक्लियर ट्रायड, यानी कि कहीं पे भी लैंड सी एयर से आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकते हैं, वो तो डेवलप कर लिया है। तो पेंटागन की रिपोर्ट, अब आप बोलेंगे सर चाइना तो किसी को अंदर जाने देता नहीं है, तो पेंटागन ने रिपोर्ट कहां से ली? बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी। दिसंबर 2020 में जितना भी डेटा था, उसके बाद जो चाइना ने वेपन्स टेस्ट किए, उसके बाद और भी जासूस रहते हैं, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जो चाइना के साथ मिलकर काम करती है, सब मिल माल के होता है, ये सब अंदर की बातें हैं, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, लेकिन मिल जाती है इंफॉर्मेशन, ये चीज है। फिर उसके बाद चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की, तो ये चाइना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब हम कितनी एडवांस स्टेज में जा चुके हैं। इस समय हम दुनिया में सबसे बड़े शिफ्ट को देख रहे हैं, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक पावर बदल रही है। तो ये पेंटागन ने इतनी सारी बातें बोली हैं चाइना के लिए, कि भाई अब पूरी दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि चाइना जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है कि चाइना जो है, अब रिपोर्ट में ये भी है कि चाइना जो है वो अटैक नहीं करेगा, मतलब अगर आप उसको प्रोवोक करेंगे तभी अटैक करेगा, न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे तभी अटैक करेगा। खैर ये तो सारी दुनिया का है, ऐसे बिना बात के कोई हमला नहीं करेगा। तो वही है अब इसमें, और इस रिपोर्ट में ये भी है कि भाई भारत को लगातार चाइना ब्लेम कर रहा था कि तुम्हारी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। इनफैक्ट सिविलियन विलेज जो वहां पे सिविलियंस थे, 100 घर चाइना ने बना दिए थे वहां पे, ऐसा जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी ये किया था, और बार बार भारत को ब्लेम कर रहा था कि तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से ये। और चाइना पीछे गया ही नहीं, जब तक भारत की फौज ने कंप्लीटली विड्रॉ नहीं किया तब तक चाइना पीछे गया ही नहीं, ऐसा हिसाब किताब था भाई। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी है कि जो चाइनीज वेपन्स के कस्टमर है वो ज्यादा हैं, लेकिन इनके वेपन्स बड़ी लोअर क्वालिटी के, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है ना, वही है मेड इन चाइना जैसे प्रोडक्ट आपको मेड इन चाइना मिलते हैं कि एक बार गया तो गया, लेकिन सस्ते बहुत होते हैं, ऐसे ही इनके वेपन्स का भी हिसाब किताब है। मारा फटेगा नहीं फटेगा वो पता नहीं है ना, तो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं चाइना के, दैट विल बी ऑफ लोअर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि ये बड़े सस्ते वेपन्स बना रहे हैं, ये चीज है। तो अब बीजिंग किन किन को बेचता है, जैसे इनका अनमैंड एरियल व्हीकल सिस्टम है, सबमरीन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, सऊदी को बेचता है, यूएई, पाकिस्तान को बेचता है, ठीक है, और उसके बाद इराक, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, इन सबको। अब ये सब इतने अमीर देश नहीं है, खैर सऊदी और यूएई को आप छोड़ दीजिए, बाकी तो ठीक ठाक देश है। तो यही चीज है। उसके बाद फिर इस रिपोर्ट में ये भी है कि चाइना जो है वो लगातार मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, बाकी देशों के मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता रहता है, बिजनेस, एकेडमिक्स, पॉलिसी कम्युनिटीज, सबको, अमेरिका को, चाइनीज कम्युनिटी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उनका जो फॉरेन मल्टीलेटरल और डोमेस्टिक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, तो हर कोई, जो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी, हर कोई, जितने भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, सब इनकी बातों को मानेंगे कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, हम गलत हैं। तो ये पेंटागन रिपोर्ट में है, ये सारे पॉइंट्स है पेंटागन रिपोर्ट में, ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये बताता है कि चाइना किस तरीके से काम कर रहा है, चाइना अगर कहीं पे जा रहा है या आगे बढ़ रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि हमने बताया कि हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं,
अभी बिग दिवाली सेल चल रही है, तो आप इन कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।